नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ढाबों पर खड़ी गाड़ियों से वसूली करने पहुंचे ट्रैफिक कर्मी, क्यों हुए रफू चक्कर? ये देखिए, गाड़ी जा रही है भैया, ये गाड़ी नंबर है MP03-4427। ये खड़ी गाड़ियों के कागज मांग रहे हैं, ये खड़ी गाड़ियों ये देख कर भाग रहे हैं। यहाँ सहरई थाने पर यहाँ सब यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ सब ट्रैफिक पुलिस यहाँ पैसे मांग रही है लोगों से, गाड़ियों में घुस घुस के कागज मांग रही है और भाग रहे हैं वीडियो बनाने पे। इनका ना तो इनका बैच नंबर है भैया, ना नेम प्लेट है, ना कैप है। यहाँ भैया ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखिए जरा, इन लोगों से 1-1 हजार रुपए गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं। जबरदस्ती ड्राइवर गाड़ियों में घुस घुस के पैसे मांग रहे हैं। ये देखिए सर, और पूछा जा रहा है इनसे, पूछा जा रहा है कि कौन थाने में पदस्थ है, तो ये नाम नहीं बता रहे। दरअसल ये पूरी घटना मध्य प्रदेश के चंदेरी गांव की है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी वसूली करने आए, लेकिन जब ड्राइवरों ने इनसे सवाल करने शुरू किए तो इन जनाब की हवाइयां उड़ गई। ये लोग खुद को ट्रैफिक कर्मी बता रहे हैं। बिना नेम प्लेट्स लगाए, बिना वर्दी पहने ये लोग होटल के पास आए और ड्राइवरों से कहा कि आगे TI साहब खड़े हैं, सारे आकर एंट्री करवा लो, 1000 रुपए की एंट्री करवाने को कहा। ड्राइवर ढाबे पर आराम कर रहे थे, गाड़ियां साइड में खड़ी हुई थी, कुछ ड्राइवर्स खाना खा रहे थे तो कुछ सो रहे थे। कुछ ड्राइवरों से यहां पर एंट्री ले ली गई थी। ये पूरी घटना 16 नवंबर की है। इनमें से एक ड्राइवर ने इनकी वीडियो बनाना शुरू किया तो ये जनाब भागते हुए दिखाई दिए। खड़ी गाड़ियों से वसूली कर रहे ये लोग सवाल पूछने पर हड़बड़ाते हुए नजर आए। देखिए, ना तो वर्दी है ना तो बैग, तो बताइए कि इन कर्मियों और गुंडों में क्या फर्क निकाले? सवाल पूछने पर इनके पास जवाब नहीं है और इन जनाब की हवाइयां उड़ती नजर आ रही हैं। अगर ये ट्रैफिक कर्मी है और किसी बात की एंट्री भी काट रहे हैं तो यहाँ ये कर्मी भाग क्यों रहे हैं? थाने का नाम बताएं, नेम प्लेट दिखाएं, लेकिन कानून भागता दिखाई दे रहा है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो कर्मी ड्राइवर के सामने हैं, इनके माथे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही है। आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमें कानून सिखाता है कि नियमों की उल्लंघना ना करें, लेकिन जब कानून ही अपने नियम भूल जाए तो उस पर विश्वास कैसे किया जाए? इस तरह की वसूली ड्राइवरों के लिए आफत बनी हुई है। साइड में खड़ी गाड़ियों से एंट्री करवाई जा रही है और पूछने पर कोई जवाब नहीं है, उल्टा यहां से कर्मी रफू चक्कर होते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90831 90831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें? तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।